हेलो एवरीवन, माय सेल्फ किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीसीएम फॉर नीट 2022 का मेजर सेकंड, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स हैं, दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं जो सारे आपको करने हैं, और सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन आपके हैं 15, जिसमें आपका सिलेक्टिव मोड हो सकता है, आप अपने जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस हैं वो छोड़ करके आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो करें शुरू। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है? तो आप जानते हैं तीन दे रखे हैं इसमें, पार्ट ए और बी और सी। पहला है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। आप जानते हैं प्रकाश वर्ष एक लंबाई का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। बार्न, बार्न वैसे दो तरह से काम आता है, एक आता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो दूसरा आता है बार्न होता है एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है। सेक जो होता है यह है समय का मात्रक। तो आप देखें ये तो किसका मात्रक हुआ, लेंथ का, ये किसका है एरिया का, ये मात्रक किसका हो गया समय का। तो आप यहां देखें कि लंबाई का मात्रक कौन सा नहीं है। प्रकाश वर्ष तो यूनिट ऑफ लेंथ है, बट बार्न और सेक ये लंबाई का मात्रक नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, बी और सी। तो अपन इसमें आंसर कह सकते हैं कौन सा, थर्ड। यहाँ ए और सी लिखा हुआ है, यहाँ ए और बी लिखा है, यहाँ ए बी और सी सब में ए शामिल है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने पास दो कैपेसिटर है जिन कैपेसिटेंस कितनी C1 C2 है, जिनको जोड़ रखा है अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि अगर दो कैपेसिटर को हम जोड़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, C1 प्लस C2 है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी। अभी कह रहा है कि अगर C1 का वैल्यू कितना है 50 प्लस माइनस 2 और C2 कितना है 30 प्लस माइनस 1 माइक्रोफेरड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी इनकी कैपेसिटेंस है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जस्ट ये C1 और C2 है, तो आप इसमें चेक करें, ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, C1 की, ये C1 का वैल्यू है, ये हमारे पास है C2 का। तो ये जो 2 है वो है इसमें डेल्टा C1 और ये हो गया बेटा जी डेल्टा C2। एडिशन की, जोड़ की प्रक्रिया में जब आप सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो सी इक्विवेलेंट हम लोग कैसे करेंगे, जो C1 प्लस C2 और प्लस माइनस ये डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 दो क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एरर के साथ जोड़ना है। तो C1 प्लस C2 हमारे पास है, C1 है 50, C2 है कितना 30, 30 प्लस 50 कितना हो गया 80। तो ये तो है 80 माइक्रोफेरड प्लस माइनस डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 माइक्रो फैराड। तो आप इसको कंबाइंडली लिख सकते हैं 50 प्लस 30 यानी 80 प्लस माइनस 3 माइक्रो फैराड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80 प्लस माइनस 3 माइक्रो फैराड यानी थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स विद ए वेलोसिटी वी इक्वल टू 2t अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकंड इज। ए पार्टिकल है वी इक्वल टू 2t के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो आपसे पूछा है कि 0 से 3 सेकंड के बीच का एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड यहां देखो वी टाइम के फंक्शन के रूप में है, तो एवरेज आपको स्पीड निकालनी है, तो इसकी स्पीड का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीटी फ्रॉम T1 टू T2। तो वो अपन साथ ही पुट कर देंगे, वी हमारे पास है 2t, तो 2t इंटू डीटी, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, और यहाँ डीटी का इंटीग्रेशन क्या होता है डी टी का टी, और इसकी लिमिट भी कितना है 0 से 3। करें सॉल्व,
तो 2t dt का यदि आपने करना है इंटीग्रेशन, तो कितना हुआ, 2t² / 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो t स्क्वायर आ गया, तो इसको पढ़ते हैं t स्क्वायर, और dt का कितना होता है t, लिमिट पुट कर दें 0 से 3, 0 से 3, तो यहां इसकी लोअर लिमिट कितना है 0 दोनों केसेस में, तो t का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन यहां कितना हुआ 3 माइनस 0 3, तो 3 × 3 9/3 या 3 × 3/3, तो आपके सामने ही सामने देखो वैल्यू कितना 3 m/s आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका है थर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फॉर ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस द रेशियो ऑफ रेंज टू मैक्सिमम हाइट रीचेज इज, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और उसके लिए आपसे पूछा है कि उसकी जो रेंज है और उसकी जो एच मैक्सिमम है उनका आपस में रिलेशन क्या है, पर इंपॉर्टेंट यह है कि थीटा कहां से आपको दे रखा है, फ्रॉम वर्टिकल, यानी अगर हम यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं यू स्पीड से और इसका एंगल फ्रॉम वर्टिकल कितना थीटा है और ये यहां से मूव करते अगर नीचे आता है तो इसकी एच जो हाइट आपकी है मैक्सिमम और जो इसकी रेंज है उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है वो आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जो अपने फॉर्मूले यूज करते हैं उसमें एंगल हम लोग यूज करते हैं, तो एंगल आपको ध्यान होगा एंगल हम लोग यूज करते हैं कौन से वाला, ये, तो अगर यहां एंगल थीटा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब जितने फॉर्मूले हैं उनमें थीटा के स्थान पे आपको 90 माइनस थीटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप बताइए एच और आर का रिलेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं रतन चोर है यानी 4 है 4H, रतन यानी आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4H, बट थीटा के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा 90 माइनस का थीटा, ये थीटा यहाँ पे थीटा नहीं है, कितना होगा 10, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिप्लेस किससे 90 माइनस थीटा से, तो आर टेन 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू 4H, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो आर कोट थीटा इज इक्वल टू 4H, और इससे हमको निकालना क्या है आर बाई एच, तो ध्यान दें आर बाई एच इज इक्वल टू ये हो गया 4 upon cot theta, या इसको अपन कर सकते हैं 1 upon cot 10 होता है तो 4 tan theta, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है एक सिंपल है, कोई हमारे पास रोड है स्ट्रेट रोड जिसके दो एंड है ए और बी, और आपसे बोला जा रहा है कि अगर ये रोड इस तरह से है और ये मूव कर रही है ए की वाल के साथ जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है, बी के साथ भी जो रोड है उसकी सरफेस कैसी फ्रिक्शन लेस है, तो क्वेश्चन ये कहा है कि ए रोड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ स्मॉल एल इज मूविंग बिटवीन परपेंडिकुलर स्मूथ वाल्स एज शोन व्हेन रोड इज एट एंगल थीटा, यानी ये जो कंडीशन है वो एक कंस्ट्रेंट मोशन की तरह से है जिसमें किसी इंस्टेंट पर किसी क्षण पर अगर ये रोड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, एक इसमें थोड़ी सी गड़बड़ देखो आप ध्यान करना, व्हेन रोड इज एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, थीटा विद हॉरिजॉन्टल इसको आप कर लेंगे वर्टिकल, एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा है, बी इज मूविंग राइट विद स्पीड वी और बी किस तरफ राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है राइट की तरफ मूव कर रही है, तो यहां पर भी ध्यान करना यह है ऊर्ध्वाधर के साथ कोण, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण थीटा है, पेपर में आपको सही क्वेश्चन मिला होगा, इसमें थोड़ा सा ये एरर है इसको हम सही करवा देंगे, तब इसका सिरा बी वी चाल से दाईं ओर गतिशील है, ठीक है जिस समय ये एंगल थीटा उस समय बी सिरा वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो पूछा है कि उस समय ए की स्पीड कितनी है वो आपको फाइंड करनी है, तो इसमें आप जानते हैं कि जैसे
एक तो ध्यान करना कि हमेशा जो कंपोनेंट करते हैं वो हमेशा रियल वेलोसिटी के करते हैं। तो रियल वेलोसिटी है क्या, आप देखें बी जो एंड है वो इस तरफ मूव कर रहा है बी स्पीड से, ए एंड जो है वो वाल के सहारे नीचे आ रहा है, आपको तो इस ए की स्पीड पूछी है, ये बराबर उस समय सिरे ए की स्पीड कितनी वो आपको पता करनी है। तो ए तो नीचे मूव कर रहा है ना, और इसकी स्पीड को पूछा है, इसको मान लेता हूं मैं वी डैश, बी की तरह रखिए और वी है वी डैश। अब ध्यान करो ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है, और यहां बी जो है इसका एंगल आपको मालूम नहीं, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो इस एंगल के थीटा होने पर ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये वाला भी एंगल कितना हुआ 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस थीटा। अब एक बात ध्यान दो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कंस्ट्रेंड मोशन का कॉन्सेप्ट अपन काम में लें, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो रोड है इस रोड की लेंथ के अलोंग, रोड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी या उसके कंपोनेंट हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि इसकी मोशन के दौरान छड़ की लंबाई में इसकी रोड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें कि ये वी डैश है, इसका आप करें कंपोनेंट रोड के अलोंग, तो क्या बन गया वी डैश कॉस थीटा। और इसका भी देखो यहां ये वी है, इसका भी लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कर लें तो वी कोस 90 माइनस थीटा, और वी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है वी साइन थीटा, तो इसको हम लिखते हैं वी साइन थीटा। अब ये दोनों कंपोनेंट क्या है लेंथ के अलोंग है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि इस रोड की लेंथ में इस मोशन के दौरान कोई मोशन नहीं, कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा है। पर ध्यान देना है किसी इंस्टेंट के लिए, जिस समय एंगल थीटा है फिक्स उस समय के लिए आपका रिलेशन है, जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी आपकी बदलना शुरू हो जाएगी, थीटा पे डिपेंड करेगी। तो लेंथ के अलोंग अपन इसको इक्वल कर देना, तो देखो वी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका वी साइन थीटा, हमको पूछा है वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू हो गया वी साइन बाई कोस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी वी टेन थीटा। तो आपका सही आंसर है वी टेन थीटा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन में, हाँ जी अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट है, इफ ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए फ्री बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी है रेस्ट पे है और उस पे आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया, तो जब भी किसी फ्री बॉडी पर, मान लो फ्री बॉडी है जिसका मास कितना स्मॉल एम, फ्री बॉडी है ठीक है, और इस पे आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, इनिशियल रेस्ट में थी, इसका यू कितना है जीरो, तो जैसे ही फोर्स अपन अप्लाई करेंगे तो यहां नेट फोर्स कितना आ गया एफ नेट इज इक्वल टू एफ, अप्लाइड फोर्स ही हो गया। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, इसको त्वरित करेगा, और इसका त्वरण कितना आ गया ए बराबर एफ बाई एम। अब फ्री बॉडी पे अगर हम ये अप्लाई कर देंगे तो अब ये ए क्या है कॉन्स्टेंट है, ए क्या है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर है, एम कॉन्स्टेंट है, एफ भी कॉन्स्टेंट है, तो ए भी कॉन्स्टेंट है, अर्थात इसके वेग में परिवर्तन दर क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दे रखा है इसमें कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वो तो बदल रही है, और फ्री बॉडी पे रेस्ट में उसे अप्लाई करेंगे तो स्पीड तो बढ़ेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कांस्टेंट ना साहब, बदलेगी, ये भी वेरी कर रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है ना ही साहब, ये भी गलत है, वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट होगी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो कैसी है कांस्टेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है आइए। क्वेश्चन है ये हमारे पास 10 केजी का ब्लॉक है, इस 10 केजी की ब्लॉक और ग्राउंड के बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4 दे रखा है, ठीक है जी।
पर क्वेश्चन को देखो आप, यहां इसके हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे अपन ने एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, 10 केसी के ब्लॉक का ऐसे अपने फोर्स अप्लाई कर रखा है। आपसे बोला है कि इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 0.4 है, और ये गुटका जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। तो आपसे पूछा है कि इस जो ब्लॉक है इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये जो ब्लॉक है वो कैसा विराम अवस्था में है, ठीक है। जब ये विराम अवस्था में होगा तो अब इस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन का प्रकार कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्थैतिक घर्षण बल है। और स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, हमेशा जो पुलिंग फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स आप कह सकते हो, या यहां पर एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स जो गति उत्पन्नकारी बल है उसके बराबर होगा। यदि हम इसके सारे बलों का यूज करते हुए एफ बी डी बनाए तो ध्यान करिएगा, यहां इस पे नीचे फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर फोर्स हो गया इसका नॉर्मल फोर्स। एफ के अपन करें कंपोनेंट, एफ कोस 30, एफ कोस 30, और ये ऊपर की तरफ एक फोर्स और आ गया एफ साइन 30। एन प्लस एफ साइन इज इक्वल टू कौन सा, एम जी, ठीक है जी। तो एन का वैल्यू अपन निकालना चाहें तो एम जी माइनस का एफ साइन हो गया, ठीक है। अब एफ कोस 30 डिग्री इसके अप्लाई होने के बावजूद भी, यानी इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा, तो हम सबसे पहले इसमें पहला स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसका अपन एन निकालते हैं, उसके बाद अपन निकालते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ एल, वो आपका है म्यू इंटू एन, ओके। अब इसमें एक्सटर्नल जो पुलिंग फोर्स जो है वो कौन सा है, एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स जिसको मैं नाम देता हूं वो हमारे पास है एफ कॉस थेटा, एफ कॉस थेटा, ये हो गया एफ कॉस थेटा। अगर ये इसकी वैल्यू हमको मिल गई, पर क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि ब्लॉक रेस्ट में है, गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स का वैल्यू एफ एल से कम है, और एफ एल से कम होने पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ आर वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होता है, और ये एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स के बराबर हुआ करता है, जो कितना होगा यहां पर एफ कोस 30 डिग्री के इक्वल होगा, और कोस 30 कितना होता है, रूट 3/2। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा रूट 3/2 इंटू एफ। तो राइट आंसर आपका है थर्ड, इसमें अपन इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 4 केजी टू गिव इट ए डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, द वर्क डन बाय एजेंट अप्लाइंग द फोर्स अप टू टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड। एस आपको दे रखा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और पूछा कि समय 4 सेकेंड तक यानी 0 to 4 सेकेंड तक कितना वर्क डन है, वो आपको पूछा जा रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम सॉरी, हाँ जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम और आ गई, हाँ। अगले क्वेश्चन में आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दे रखा है एक बॉडी है, उसका मास कितना 4 केजी है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 के अकॉर्डिंग है, और आपसे पूछा समय t इक्वल टू 4 सेकंड तक, द वर्क डन बाय एजेंट अप्लाइंग द फोर्स अप टू टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी 0 से 4 सेकंड तक कितना वर्क डन हो रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। यहां हमारे पास स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम लोग करते हैं किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है डब्ल्यू नेट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस डेल्टा के इक्वल होता है, यहां तो फोर्स अकेला एक्सटर्नल फोर्स है उसी के रूप में आपका हम करेंगे, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू कितना है डेल्टा के अकॉर्डिंग टू दिस, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल्टा के, यानी के फाइनल माइनस का के इनिशियल। तो इसको अपन ऐसे कर देंगे एम बाई 2 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर,
ये हमारे पास वैल्यू है m by 2 v final square minus v initial का square, done. अब इसमें आपको m दे रखा है, v initial final आपको find करनी पड़ेगी. तो अगर s का value t square by 2 है, तो मुझे बताइएगा v हमारे पास कितना होता है ds by dt, ds by dt 1 by 2 constant है और t square का differentiation हो गया 2t, 2 से 2 को अपन कर दें cancel, तो हमारे पास value कितनी आई, 2 आई. अब ये वैल्यू v का वैल्यू है t, हमें क्या चाहिएगा, v इनिशियल का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर. तो अगर हम लोग t इक्वल टू 0 जो कि टाइम इनिशियल है, इस पे निकालते हैं वेलोसिटी, तो t 0 होने पर ये तो 0 हो गया ना, 0 मीटर पर सेकंड. ऐसे पर निकालते हैं v t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो v इक्वल टू 4 सेकंड पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t 4 हो तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, 4 मीटर पर सेकंड. तो हमारे पास स्पीड इनिशियल कितनी, 0 हो जाएगी. फाइनल हमारे पास कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16. m कितना हमारे पास, 4. तो देखो अब इसकी हेल्प से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यही कर दूं इसको, m हमारे पास है कितना, 4 by 2 into v फाइनल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस का 0. तो 4 से 4 को 2 से अपन करें डिवाइड, तो कितना 4 अपॉन 2, 2 16 इंटू 2 कितना 32, तो आपका राइट आंसर है 32 जूल. ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. नेक्स्ट है सेम मास और मास दे रखा है अपने को 8 केजी की, दो बॉडी है, दोनों एक दूसरे की तरफ यानी एक दूसरे की तरफ आ रही है, उनकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और ये अप्रत्यास्थ रूप से टकराती हैं. टक्कर कैसे है, इनइलास्टिक. यदि इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी निष्पत्ति गुणांक, प्रत्यावर्तन गुणांक कितना, 0.1 0.5 है, तो आपसे पूछा टक्कर के कारण ड्यूरिंग कोलिजन निकाय की काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होता है. तो इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वैसे भी आप बाद की स्पीड निकाल करके भी कर सकते हो. तो देखो कैसे करना है, मास इक्वल है तो मान लीजिएगा ये कोई एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इस तरफ मूव कर रही है v स्पीड से, दूसरी बॉडी है हमारे पास ये, इसका मास m है, इसका स्पीड कितना v है, दोनों इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ गति करते हुए आपस में कोलाइड कर रही हैं. तो इस दौरान जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जानते हैं डेल्टा के लॉस, वो है कितना 1/2 m1 into m2 upon m1 plus m2 इंटू यू रिलेटिव, जो इनिशियल की स्पीड है उनका रिलेटिव स्पीड है उसका स्क्वायर, इंटू 1 - e² ये होता है इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब मास कैसे इक्वल है, m इंटू m अपॉन 2m, m स्क्वायर अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू m बाई 2 और v रिलेटिव. अब देखिए दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो आपको मालूम है दो बॉडी अगर अपोजिट मूव कर रही होती हैं तो हमेशा इनकी सापेक्ष वेग का जो परिमाण होता है वो दोनों के वेगों का स्पीड है जो है उनके योग का यानी सम का ही इक्वल होता है. तो दोनों का सम कितना v प्लस v हो जाएगा. अगर ये समान दिशा में गति करते तो इनकी जो सापेक्ष चाल उसका परिमाण, जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है उनका परिमाण कितना आता, वो 0 आता. पर अभी फिलहाल कितना है, 2v है, तो इसको मैं यहाँ रिप्लेस करूँ किससे, 2v और इसका स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई, हमारे पास है 0.5 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4. अब इसको अपन करें सॉल्व, तो 2v का स्क्वायर कितना, 4v² और उस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास है वैल्यू m इंटू v² इंटू 1 - 1/4, एक में से घटा दो किसको, पाओ, एक से पाओ गया, क्या बचा, 3 पाओ यानी 3/4, तो इसको हम कर दें 3/4 से मल्टीप्लाई. अब इसकी रही कैलकुलेशन, तो देखो डेल्टा के लॉस इज इक्वल टू 3/4 इंटू m हमारे पास कितना है 8, v हमारे पास है कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका 24 जूल. तो इसका राइट आंसर है 24. ओके तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में. नेक्स्ट है हमारे पास एक फोर्स अप्लाई कर रखा है F, जो किसी पॉइंट
आर वन पे अप्लाई हो रहा है और आपसे पूछा है कि आर टू किसी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है, किसी पॉइंट आर वन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आर टू के अबाउट हमको फोर्स, सॉरी इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लो ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर इस पॉइंट को अपन ने मान लिया आर वन, सॉरी इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूं, इस पॉइंट को पी मैंने मान लिया है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं आर वन, इसकी जो पोजीशन है वो किसको किससे शो कर रहे हैं हम आर वन से। अगर मैं यहां फोर्स अप्लाई करता हूं कोई एफ, करते हैं फोर्स अप्लाई एफ, तो इस एफ फोर्स का टॉर्क हम लोग याद करते हैं, फाइंड करते हैं, तो आपको ध्यान होगा टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। इस आर क्रॉस एफ में अगर ये मान लो पॉइंट पी है, इसको मैं ओ कहता हूं, तो ये ओ के अबाउट है, यानी ये आपका है आर पी ओ। तो ध्यान करिएगा, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई करा है उस पॉइंट का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और किसके अबाउट है, जिसके अबाउट आपसे पूछा जा रहा है, समझे। तो हमें पूछा किसके सापेक्ष जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं इस बिंदु पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आर टू के रेस्पेक्ट में हमको इसका पूछा जा रहा है। तो देखो ये एक्चुअली हो गया आर वन माइनस का आर टू क्रॉस एफ, आर वन माइनस का आर टू, जहां फोर्स अप्लाई कर रखा है वो पॉइंट आपका है पी और हमें किसी दूसरे पॉइंट, मान लो अपन कहीं पॉइंट और मान लेते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं आर टू वाले, तो आर वन माइनस का आर टू इंटू क्रॉस एफ, ठीक है जी। अब चेक करो आर वन माइनस आर टू कितना है, आर वन माइनस आर टू, इसमें से इसके ऊपर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 2ik प्लस 2jk और प्लस का 2kk और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को i प्लस j प्लस सॉरी फोर्स हमारे पास है ik प्लस jk प्लस kk। यहीं काम की बात और है, आप ये चेक करो, देखो ये 2 2 2, ये भी कितना 1 1 1, तो आप शायद इससे समझ पा रहे होंगे कि इस कंडीशन में जो आपको दे रखा है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एफ, यहां ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यहां आप देखो आर पैरेलल टू फोर्स कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि इस वाले में जो एक्स है और एफ एक्स, वाई और एफ वाई और जेड और कौन सा एफ जेड, इनका रेशियो कैसा आपस में इक्वल है, यहां 2 बाई 1 2 बाई 1, ये 2 बाई 1 2 बाई 1 2 बाई 1। अगर इसमें R और F की समांतर होने की शर्त को अपन चेक करेंगे तो देखो इनका सब रेशियो सेम आ रहा ना और सब प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब R और F आपस में पैरेलल होते हैं तो यहाँ आपको जानकारी होगी कि R अगर क्रॉस F है और ये आपस में समांतर है तो इनके समांतर होने पर इसका आप लिखते हैं आर एफ साइन थीटा एन के, समांतर होने पर थीटा कितना हो गया 0 डिग्री और साइन 0 कितना होता है 0, ऐसी कंडीशन में इसका टॉर्क कितना आ जाता है 0, तो इसका बल आघूर्ण कितना आएगा 0। अगर ऐसा 0 नहीं आता, समांतर नहीं होते, तो फिर हम लोग इसका अलग से वैल्यू निकाल लेते, वो आपका आंसर बन जाता। ओके अब बढ़ते हैं आगे, तो अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर और इसका मास कितना है 1 kg, जो इसकी पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये कह रहा है कि एक कोई फिक्स पॉइंट है ए, इसके अबाउट ये वर्टिकल एक्सिस में रोटेट करने के लिए फ्री है, ऐसा हमको दे रखा है। अब कह रहा कि अगर इस रोड को हम रेस्ट से क्षैतिज जो कंडीशन है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस चीज को अपन फ्री कर दें, तो फ्री करने पर इस रोड का इनिशियल यानी आरंभिक कोणीय त्वरण कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान को इसको छोड़ेंगे अपन, ये पॉइंट आपका ए है, तो अगर इस रोड को अपन यूनिफॉर्म मान लें, इसके यूनिफॉर्म होने पर इसका सेंट्रो मास इसके ठीक मिड में, यदि इसकी लेंथ पूरी हम लोग मान लें एल, तो ये सेंट्रो मास यहां से इस पॉइंट से कितना दूर हो गया एल बाई। यदि इसका रोड का मास अपन m मान ले तो यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है mg,
ठीक है। तो अभी जो mg into l by 2 इस पे टॉर्क लग जाएगा और हमें निकालना है इसका अल्फा। अल्फा बेटा जी होता क्या, अल्फा होता है टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इस ए पॉइंट के अबाउट। यहां एक ही फोर्स है, ये इसकी एक्शन लाइन है, इसकी टॉर्क आर्म हो गई। तो टॉर्क हमारे पास देखो mg into l by 2 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा है, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर रही है वो है इसके एक सिरे के अबाउट, और इसका वैल्यू होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल भी कैंसिल। अब ये 3 चला गया ऊपर, हमारे पास यहां वैल्यू है कितनी, ये ऊपर तो है ओनली जी बाई 2 और नीचे है देखो एल बाई 3। तो मेरे हिसाब से आपके हिसाब से ये वैल्यू आपको दिख रही है, देखो जी बाई 2 डिवाइडेड बाई एल बाई 3। तो इसको अपन डिवाइडेड से कर दें मल्टीप्लाई में, तो देखो g बाई 2 इंटू कितना है 3 बाई एल, तो 3g अपॉन 2l। इसका इनिशियल जो अल्फा है वो हमको मिल रहा है 3g बाई 2l। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, देखो 3 बाई 2 इंटू g और l की वैल्यू लेंथ कितना दे रखा है हम लोगों को 6 मीटर, इसको इससे उड़ा देते हैं 2, g बाई 4 इसका आरंभिक कोणीय त्वरण है जो आपको आंसर के रूप में टिक करना है, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक एम मास का कोई ठोस गोला है, ठोस गोला, और हमें पूछा है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर से जो गुरुत्वाकर्षण का परिमाण यानी प्लस में लेते हुए इसका परिवर्तन किस तरह से होता है। तो सिंपल जानते हो सेंटर मैक्सिमम होता है, सरफेस पे ये घटता है उसके बाद फिर घटता है, तो ये तो सब बच्चे जानते हैं, इसको कर लेंगे आप, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने बहुत सिंपल भी लिए ताकि स्कोर भी आपका ठीक रहे। तो क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम इलास्टिसिटी, इनमें से किसकी प्रत्यास्थता, किसकी प्रत्यास्थता अधिकतम होती है। तो रबड़, लकड़ी, स्टील, कॉपर, इनमें सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, स्टील होता है। नेक्स्ट, जब एक 1 kg की का भार है वो किसी तार से अपन हैंग करते हैं, लटकाते हैं, तो 4 mm का इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस रोड में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। तो आप जानते होंगे अगर हम किसी वायर, मान लो इसकी नेचुरल लेंथ l है, उस पर कोई मास m अप्लाई कर दें, लटका दें, और उससे इसकी लेंथ मान लो कुछ इंक्रीज हो जाए डेल्टा एक्स से, ठीक है जी। डेल्टा एक्स से इंक्रीज होने पर अगर एम आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स का वैल्यू यहां पे कितना हो गया एम जी। एम जी फोर्स के प्रभाव में अगर इसकी लेंथ डेल्टा एक्स से इंक्रीज हो जाती है, या इस वायर पे हम कोई फोर्स एम जी के स्थान पर कोई फोर्स एफ अप्लाई कर दें डाउनवर्ड, और उससे इसमें एक्सपेंशन कितना डेल्टा एक्स हो जाए, तो कितना वर्डन आपने एक्सटर्नल किया, जो एक्सटर्नल वर्डन है वो ही क्या होता है इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, और इसलिए W जो एक्सटर्नल है वही क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसका वैल्यू कितना होता है हाफ F इंटू डेल्टा एक्स। तो 1/2 F हमारे पास है कितना mg इंटू डेल्टा एक्स, ये इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 इंटू मास हमारे पास कितना है 1 kg, g का वैल्यू कितना मान लेते हैं अपन 10, अप्रोक्स 10 मान लेता हूं, और डेल्टा एक्स हमारे पास है 4 mm, यानी 4 × आंसर किस मिली में ही है, तो 4 को आप 4 में ही रहने देते हैं, 4 mm, इसको उड़ा दें से 2 से, तो 20 हो गया ना, 20 mJ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
हाँ जी, अब ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एक विलोडन द्वारा विक्षोपित एक द्रव्य कुछ समय के बाद किसके कारण विराम अवस्था में आ जाता है? तो जानते हैं, मान लो कोई लिक्विड भर रखा है अपन ने, और उसको अपन थोड़ा सा हिला करके छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम वो रेस्ट में आ जाता है, तो उसका रीजन है क्या? विस्कोसिटी है, उसके लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है और वो उसको हमेशा फाइनली रेस्ट अवस्था में लेके आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जब वाटर को हम गर्म करते हैं 0 डिग्री से कितना 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है, वॉल्यूम कैसे इसका चेंज होता है? तो इसमें देखो, पानी का क्वेश्चन है, तो मैं रोज अक्सर कहता हूं पानी पानी, तो पानी में आप क्या देखते हैं, 4। पानी में क्या दिखता है, तो 4 या हिंदी बोले तो 4। 4 लास्ट में, यहां पर भी रे है और इसमें ये आर, इसमें है आर, तो रो का साथ थोड़ा सा फील हो रहा है। तो वाटर जो है ना, ये आपका असंगत व्यवहार शो करता है, और इसके असंगत व्यवहार शो करने के दौरान वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, आर का मतलब रो, मैक्सिमम शो करता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का रो मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम होता है मिनिमम। तो अगर वॉल्यूम का ग्राफ हम लोग इससे ड्रॉ करें, वॉल्यूम का टेम्परेचर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम इसका घटता है उसके बाद बढ़ता है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कैसा है, मिनिमम है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर 0 डिग्री से 20 तक आप 0 से 20 तक चेक कर लो आप, तो पहले इसका वॉल्यूम घट रहा है और 4 डिग्री पे कम से कम, उसके बाद बढ़ रहा है। यदि किसी होता है कि 0 से 4 तक वॉल्यूम घटता, पर 0 से 20 लिखा है तो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर हो रहा है इंक्रीज, तो पहले घटता है उसके पश्चात बढ़ता है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी थोड़ी क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं जो कन्वेक्शन होता है, चाहे फोर्स्ड हो या चाहे कौन सा हो, नेचुरल। क्वेश्चन देखो पहले, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन इनमें से सही है? तो आपने थ्योरी को पढ़ते समय पढ़ा होगा कि जो संवहन होता है, कन्वेक्शन होता है, उसके नेचुरली होने के लिए ग्रेविटेशन फोर्स है उसका होना जरूरी होता है। ठीक है, फोर्स तो बिना ग्रेविटेशन फोर्स के पॉसिबल है, बट नेचुरल यानी जो आपका प्राकृतिक है उसका होने के लिए तो ग्रेविटेशन फोर्स होना बहुत जरूरी होता है। तो आपसे सही स्टेटमेंट पूछा है, तो आप देखो पहला कि नेचुरल कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, प्राकृतिक सेवन केवल गुरुत्व मुक्त त्रिविम में ही होता है, गुरुत्व मुक्त त्रिविम में होता है, गुरुत्व मुक्त नहीं, गुरुत्व युक्त में होता है, गुरुत्व मुक्त लिखा है, सॉरी तो हमसे पूछ ये कह रहा है कि प्राकृतिक सेवन यानी नेचुरल कन्वेक्शन ओनली गुरुत्व मुक्त, गलत है, गुरुत्व तो वहां जरूरी होता है। सेकंड ये कह रहा है कि नेचुरल कन्वेक्शन गुरुत्व तथा गुरुत्व मुक्त दोनों में, ना साहब, नेचुरल तो गुरुत्व होने पर ही होता है। ये कह रहा है फोर्स्ड जो कन्वेक्शन है ये केवल ग्रेविटी, ना साहब, वो तो ग्रेविटी है तो भी हो सकता है और ना हो तो भी हो सकता है, तीनों गलत है। जबकि फोर्स्ड कन्वेक्शन है वो ग्रेविटी फ्री और ग्रेविटी लेस या ग्रेविटी फुल दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि वी एवरेज और वी आर एम एस किसी गैस की दो स्पीड है और उनका आपको चाहिए एवरेज। तो देखो वी एवरेज जो होता है, तो इसमें आप जो गैसेज होती हैं उनकी जो स्पीड का जो वैल्यू होते हैं वो मेनली हैं कितने, 3 टाइप्स हैं, वी आर एम एस और वी आपका मैक्सिमम प्रोबेबल, और वी आप इसमें लेते हैं कौन सा, वी एवरेज औसत, वी औसत। तो इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखो बेसिक क्वेश्चन आते हैं कई बार,
आरएमएस में कितने आरएमएस 3 लेटर्स हैं, एमपी मैक्सिमम प्रोबेबल में एम और पी 2 लेटर हैं। उस में देखो ऐसे ये ऐसे हम लोग बना लेते हैं ऐसे 8, ऐसे 8। तो अब आरएमएस 3 लेटर्स हो गए, यहां कितना है 2, यहां अपने पास से वैल्यू आ गई 8, है नहीं 8 हो गया। तो 3 kt/m, यहां कितना 2 kt/m, यहां कितना 8 kt/m। अब देखो यहां एक दिक्कत और, दिक्कत क्या हमारे लिए फायदे वाली बात है, ये देखो इस पे जो ऊपर की जो लगा रखी है ना अपनी मात्रा लगा रखी है, ये इस तरह से पाई है, इसको उल्टा कर नीचे ले आओ, वैसे ये पाई हो गया। तो इसको कैसे भी याद कर सकते हो, ये आरएमएस स्पीड है, कौन सा मैक्सिमम प्रोबेबल है, ये हमारे पास है कौन सी एवरेज। अब हमसे पूछा है कि इसमें आरएमएस और एवरेज इनका आपस में रेशियो कितना है, तो वी एवरेज अपॉन वी आरएमएस, वी एवरेज अपॉन वी आरएमएस, इनका रेशियो दोनों रूट के साथ है। तो वी एवरेज तो कितना हमारे पास है 8 kt/πm, और जो आपका आरएमएस वैल्यू कितना है वो 3 आरएमएस, तो 3 kt/m, kt/m से आपस में कैंसिल हो गया, ये आपका 3 है, तो रूट ऑफ 8/3π, रूट ऑफ 8/3π इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, इसमें हमसे पूछा है कि एक हमारे पास से एकल यानी मोनो एटॉमिक आइडल गैस है जिसका वॉल्यूम आपने वी नोट से 2 वी नोट तक बढ़ाया है, और ऐसे करने से इसका प्रेशर पी नोट से 3 पी नोट तक है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी इस पॉइंट से यहां तक जाने पर इस गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। तो देखें प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दे रखा है, और इसकी हमको वैल्यू निकालनी है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये होता आपका किसी भी गैस के लिए म्यू इंटू सी वी डेल्टा टी। अच्छा जी, म्यू इंटू सी वी, सी वी आपके लिए होती है एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू इसको अपन कर दें म्यू आर डेल्टा टी बाई 2। म्यू आर टी को हम लोग पी और वी की टर्म्स में अगर लिखते हैं तो ये हो गया एफ बाई 2 इंटू, ये इसको अपन कर सकते हैं पी 2 वी 2 माइनस कौन सा पी 1 वी 1 म्यू आर डेल्टा टी। आदर्श केस समय का उपयोग करेंगे तो आप इसमें म्यू आर डेल्टा टी को P2V2 माइनस P1V1 की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब मोनोटॉमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो 3/2 इंटू P2V2, यहां से अपन A पॉइंट से B जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे P2 कितना है हमारे पास 3P0 और V कितना है 2V0, तो P2V2 यानी 3P0 इंटू 2V0, तो ये हो गया आपका 6P0V0 माइनस ये P0 इंटू V0, तो माइनस कितना हो गया जस्ट P0 इंटू V0, तो 6 माइनस 1 कितना 5, 5 इंटू 3 कितना 15 अपॉन 2 कितना 7.5, तो 7.5 P0 इंटू V0 ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, आपको सिर्फ पूछा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये पूछता है कि कार्य कितना हुआ, तो वो है पी और वी ग्राफ का जो एरिया है उससे अपन इसका डेल्टा डब्ल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब डेल्टा डब्ल्यू भी हमको मिल चुका है, आंतरिक ऊर्जा हम लोग याद कर सकते हैं, तो इसमें कितनी उसमें अब्जॉर्ब हो रखी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इससे हम लोग सारे प्रकार की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन आपका एक एसएम का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन y = 5 सेंटीमीटर तक गति करने में 1 सेकंड का समय ले रहा है, यानी मीन से एक्सट्रीम तक का, यहां से यहां तक का जो कि T/4 समय होता है, इसका टाइम ले रखा है 1 सेकंड। इसका मीनिंग हुआ कि इसका टी टाइम पीरियड कितना हो गया 4 × 1 यानी 4 सेकंड हो गया।
कितना 4 सेकंड, ये T/4 T/4 वापस, यानी आपने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक T/4 T/4 T/4, तो टोटल इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी हो जाएगा। तो टी हमने फाइंड कर लिया, और इसका डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम तक एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, अधिकतम इसकी चाल कितनी है, वेग कितना है, वो आपसे पूछा है। तो बताइए v मैक्सिमम इक्वल टू होता है a ओमेगा, a हमारे पास है कितना 5 सेंटीमीटर, ओमेगा हमारे पास है 2π/T, टी का वैल्यू हमारे पास कितना है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से उड़ाऊ इसको 2 हो गया, 5/2 कितना 2.5 into pi, तो 2.5 π cm/s, 2.5 cm/s इसका अधिकतम वेग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपको दे रखी इक्वेशन जिसकी वेव इक्वेशन, और पूछा है इसमें या अक्ष भी किसमें मीटर में है, टी यहां सेकंड में है, तो तरंग की चाल आपको पूछी है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो जब भी वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना हो तो केवल आप जो इसका ये टर्म दिख रहा है इस टर्म में ज्यादा कोई काम मत करा करो, 5π x - π (t=0) कर दो, और विद साइन आप यहां से इसकी वेलोसिटी ऑफ वेव तरंग की चाल आप यहां से निकाल सकते हो। यहां दो तरह की चाल होती है, एक होती कण की चाल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो होता है dy/dt, जबकि यहां पूछा आपने वेलोसिटी ऑफ वेव उसको हमें फाइंड करना है, वो तो x/t वेलोसिटी ऑफ वेव, v वेव हमसे पूछा जा रहा है, तो v वेव हमारे पास है कितना x/t है, x/t, तो x/t हमारे पास वेलोसिटी वेव है, तो x/t पाई से देखो यहां इसको अगर आप चेक करते तो 5π x = कितना है π (t), पाई से पाई कैंसिल, x मेरे पास है t/5, x/t कितना हो गया 1/5, x/t है 1/5। इसको भी देखो कैसे सोल्व करते हैं, चेक करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो मेरे पास है 2/10, 10 का डिवीजन भाग देना बहुत आसान है 0.2 m/s, सारे मीटर में है तो 0.2 m/s, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक क्वेश्चन है, एक सजावट है जिसका मास कितना m है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये लिफ्ट है वो बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसकी अगर ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू यानी ये एक तरह से त्वरित गति हो रही है। तो आप ये देखो, मान लो ये कोई मास है कैपिटल m, ये कोई स्ट्रिंग है, इसका टेंशन यहाँ पे t है, और अगर ये ऊपर की तरफ a त्वरण से गति कर रही है तो शूडो फोर्स यहाँ पे कैसा नीचे होगा, और नीचे होने पर इसका बाद का टी डेस हम लोग क्या लिखने वाले हैं, m(g+a), और a है कैसा पॉजिटिव, तो इसका मतलब m जी से कुछ ज्यादा होगा, तो mg के बराबर है कि m से अधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। हाँ जी, एक बात ध्यान रखना, अभी इस सेकेंड आपका मेजर था तो थोड़ा क्वेश्चन बहुत आपके अनुकूल रखने का प्रयास किया गया ताकि आपका स्कोर ठीक रहे। हाँ जी, अगला पेपर में क्वेश्चन आपका 23 जो है, इसमें लिखा हुआ है कि दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज कितना है 2 μ और 18 μ, दूरी के बीच की कितनी 6 सेंटीमीटर, आपसे पूछा इसका न्यूट्रल पॉइंट कहां पाया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो ये है 2 μ, ये हमारे पास है 18 μ, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है जी, कुछ लिखा नहीं है तो आपको प्लस ही मानना होता है, तो ऐसे में दोनों प्लस प्लस के जो हम कर लें, 6 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर किसी अदर चार्ज को रखने पर नेट फोर्स जीरो हो, अर्थात इस पॉइंट पे अदर चार्ज पे बल जीरो होगा या इस पॉइंट पे नेट फील्ड कितना होगा जीरो। अगर ये डिस्टेंस अपन मान लें कि एक्स है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 - x। अब इसकी जितनी फील्ड है उतनी यहाँ इसकी फील्ड है, ये Q1 है वो कौन सा है Q2 है, तो इसका यहाँ फील्ड कितना होगा, बोलो K(Q) कितना है 2 μ/x² = K(18 μ)
अपॉन 6 माइनस एक्स है उसका स्क्वायर। के से के उड़ा देते हैं, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 2 से उड़ा दे कितना हो गया 9। इसको लेता हूं ऊपर, 6 माइनस का एक्स और ये है एक्स, दोनों आपस में स्क्वायर के रूप में हैं। इसको यहां लेके आगे और ऊपर है कितना हमारे पास 9/1। इसका अपन कर लें वर्गमूल ले लें, तो देखो 6 माइनस का एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू है वर्गमूल लेते हैं 9 का, वर्गमूल कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 3x। ठीक है जी, इसको अपन जोड़ दें इसमें तो 6 इक्वल टू हो गया 4x। एक्स हमारे पास 6/4 यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो एक्स हमने एज्यूम करा 2 से अगर डिस्टेंस कितनी है ये वाली 1.5, तो 6 माइनस एक्स कितना हो गया ये 4.5 सेंटीमीटर। तो पहला है 18 से इतना, ये तो सही लग रहा है मेरे को, 2 से कितना गलत है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। ठीक है जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 एक पैरा क्वेश्चन है, उसको पूरा आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन है क्या, कि हमारे पास एक कोई डायपोल है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है P, इसका सेंटर है, मान लो कि पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे आपसे क्वेश्चन पूछा है और ये एंगल दे रखा है अपने को थीटा। इस P के अपन करें कंपोनेंट, एक तो अलोंग और एक इसके ठीक 90 पे, तो थीटा की तरफ, तो इसका कंपोनेंट हो गया P cos थीटा और ये हो गया इसका P sin थीटा, P cos और P sin। इस पॉइंट पे अब देखो P cos के लिए तो पॉइंट क्या है, P cos यानी डायपोल बन गया इस तरफ, इसका डायरेक्शन है, तो P cos के लिए तो है एक्सियल, और एक्सियल पे डायपोल के कारण जो फील्ड होता है वो एक्स इस P की तरफ ही होता है ना, इसको मान लेता हूं E1। P sin आप सब भूल जाइएगा, P sin जो है, P sin का मतलब देखो इस तरफ इसका डायपोल मोमेंट हो गया और इसके लिए पॉइंट क्या है, ये इक्वेटर हो गया, निरक्ष हो गया, निरक्ष पर क्या होता है हमेशा P के ठीक प्रति समांतर इसका E होता है, ये इसको E2 मान लें, ये दो आपके पास फील्ड है। अब क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसका नेट फील्ड है, जो नेट फील्ड है वो नेट फील्ड कैसा, पी के ठीक 90 पर है, पी के ठीक 90 पर है। अगर ये पी के ठीक 90 पे होगा तो ये जस्ट इस तरफ इसका ई है, अगर इस पी के समांतर यहां एक लाइन बना दूं तो ये एंगल हमारे पास थीटा है, अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना है टोटल 90 होने पर ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस का थीटा। जो अल्फा है ये रिजल्टेंट ई है, और रिजल्टेंट जो ई है ना ये वाला, इसके लिए इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा होगी और ये यहां तक इसको अपन थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, तो नेट ई यहां पर E1 के साथ अल्फा जो एंगल हम लोग बनाते हैं उसकी वैल्यू हमको दी जा रही है 90 माइनस का थीटा। तो अगर इसको हम लोग 90 माइनस थीटा को अल्फा जो कि लिया करते हैं, और ये अल्फा यदि हम लोग यहां से निकालते हैं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू है क्या, दिस अपॉन दिस, ये E1 है, ये हमारे पास है E2 by E1, ये है E2 by E1। इसकी वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली होती है टेन थीटा बाई टू। पर अल्फा हमारे पास है कितना 90 माइनस का थीटा, टेन 90 माइनस थीटा मतलब हो गया कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू हुआ देखो टेन थीटा बाई टू, कोट को हम लिखते हैं 1/10 थीटा, 1/10 इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, 10 × 10 10 स्क्वायर हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 2 × 1 2, तो इससे 10 थीटा की वैल्यू हमको मिलने जा रही है √2, तो इसे सॉल्व करने पे थीटा हमारे पास कितना होगा 10 inverse √2। तो इसका सही आंसर अपन चेक करते हैं, 10 inverse √2 फर्स्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके है एक कोई इक्विपोटेंस सरफेस है और एक किसी समयू पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन किसी चार्ज को ले जाते हैं, तो आप जानते हैं समयू पृष्ठ के दो पॉइंट समान पे होते हैं, उनका विभवांतर कितना 0 होता है, इसलिए
विभवांतर की जीरो होने पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसके एक पॉइंट दूसरे पे ले जाएंगे तो बर्डन कितना होगा, हमेशा जीरो। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन होता है, जानते हैं। अगला है, जो खाना पकाने के लिए अपन कोई ईएम वेव यूज करते हैं वो कौन सी होती है, माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसके अंदर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके ही हम भोजन बनाने के काम में लेते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे पास ये कोई एक करंट कैरिंग लूप है जिसकी वर्गाकार आकृति की साइड कितनी है, एक मीटर। साइड कितनी है, एक मीटर, और हमसे पूछा है कि इसके सेंटर पे कितना फील्ड बनेगा, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो, ये मान लो अपने पास एक स्क्वायर जिसमें कोई करंट मान लेते हैं आई फ्लो हो रही है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे आपको फील्ड निकालना है, और इसकी साइड हमारे पास कितनी थी, वन मीटर। चार साइड हैं, जितना फील्ड इसका यहां होगा उतना इसका, इतना इसका, तो फोर साइड होने पे इसको अपन ऐसे कह दें बी नेट इज इक्वल टू कितना, फोर बी वन। बी वन किसी एक साइड का है, एक साइड का मान लो ये साइड इसका अपन निकालना चाहते हैं, तो मैं इससे इसको ड्रॉ कर दूं, तो इसकी लेंथ एक मीटर होने पर डिस्टेंस डी हमारे पास कितनी, वन बाई टू मीटर आ गई। अब मान लो ये दो इसके एंड है, इनको मिलाएं इससे अपन, तो एंगल कितना 45, ये भी कितना 45, तो थीटा वन भी 45, टू भी कितना 45 है, इसलिए इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 4 इंटू बी वन का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी इसकी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 1 बाई 2 इंटू साइन थीटा 1, साइन थीटा 1, साइन 45, साइन 45, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, यानी कितना हो गया 2 बाई रूट 2। अब इसको करें सॉल्व, तो 4 से 4 को उड़ा देते हैं, ठीक है जी, ये 2, ये 2 चला गया ऊपर, 2 बाई रूट 2 कितना हो, रूट 2, तो मेरे हिसाब से 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन इसका अपन चेक करते हैं कौन सा होगा, बोलिएगा 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। हाँ, इसमें ये थोड़ी सी गड़बड़, देखो इसको अपन सही कर लेते हैं, यहां पर है ये म्यू नॉट, क्वेश्चन 27 में हल्का सा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन सही मिलेगा, तो ये देखें 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये ठीक है, यहां ये म्यू नॉट, पाई नॉट नहीं है, म्यू नॉट है, ठीक है, इसको आप चेक कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का जिसमें 10 मिली सेकंड में फ्लक्स है यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो इस दौरान कितना इससे चार्ज फ्लो करता है, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखें इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई अपॉन आर, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन, तो 40 माइनस का 20 अपॉन 10 मिली सेकेंड, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है जी। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई, ये हुआ 1 मिनट ध्यान देना, डेल्टा फाई बाई आर 40 माइनस का यानी 52 माइनस 51 अपॉन आर, आर तो हमारे पास 10 ओम है ना, तो इसको हटा दीजिएगा, 40 माइनस का 20 यानी 20 अपॉन 10, तो आपके सामने इसका आंसर है 2 कूलाम, थर्ड आंसर। बढ़े आगे, ये एसी का एक पैरा क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि एक कोई कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, उनको आपने अप्लाई कर रखा है किसी इस सर्किट में सीरीज ऑर्डर में,
तो कौन सा फेजर डायग्राम इसमें सही हो सकता है? तो आप देखिए, एसी सर्किट में जो ओनली आर होता है, ओनली आर होने पे तो वोल्टेज करंट कैसे सेम आपके फेज में होते हैं। ओनली एल में करंट ला रही होती है कितने से, 90 डिग्री से, और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आपकी अहेड यानी आगे होती है। तो आर में करंट वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं। जो इंडक्टर होता है एल, उसमें क्या होता है, करंट होती है पीछे होती है और वोल्टेज आगे होता है। पर अगर इनको साथ अपन अप्लाई कर दें, तो साथ अप्लाई करने पर कौन सा किसके साथ है, कैपेसिटर है आर के साथ है, इसमें करंट पीछे तो होगी या आगे होगी, वो हम डिसाइड पहले कर लेते हैं। तो ध्यान करें, यदि आर एल सर्किट होगा तो आर एल सर्किट में जो आप इसका फेज डायग्राम बनाते हो, तो आर एल सर्किट में एक्स एक्स पे अगर मैं यहां करंट को शो कर दूं, चाहे उसको आई आर कह दूं, चाहे उसको आई सी कह दूं, नेट आई करंट कह दूं, पर वोल्टेज यहां पे वोल्टेज ओनली आर का वोल्टेज वी आर इस तरफ होता है, ओनली आर होने पे आई आर सेम डायरेक्शन होते, परंतु सी होने पर वी सी आपका आई से पीछे होता है, करंट उसमें आगे होती है। दोनों के साथ अप्लाई करने पे वी आर और वी सी का नेट कौन सा, ये आपका वी हो गया। तो ध्यान करें, ऐसी कंडीशन में नेट करंट के साथ जो नेट वोल्टेज है आर और सी का, वो 5 डिग्री से वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है। और ये जो फाइ है, इस फाइ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ध्यान करें, इसमें करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, परंतु वोल्टेज करंट से कितना पीछे है, 0 से बड़ा 90 से छोटा है, करंट आगे है। देखो, यहां करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, इनमें एंगल कितना, 90 से बिल्कुल ठीक है। यहां वोल्टेज आगे है, गलत हो गया। यहां वोल्टेज और करंट 90 पे है, गलत हो गया। यहां भी वोल्टेज और करंट किस पे, 90 पे, गलत है। तो आपका सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, अगला, EMW की डायरेक्शन ई क्रॉस बी होती है, फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट 31, आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी 10, 4×10^14 Hz, अपवर्तनांक है 1.5, तो कांच में प्रकाश की लैम्डा कितनी है आपको निकालनी है, वेवलेंथ। तो देखो, लैम्डा जो अपन फाइंड निकाल रहे हैं, किसमें, कांच में प्रकाश की तरंग दे रही है, तो लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल टू है लैम्डा फ्री स्पेस अपॉन म्यू, लैम्डा फ्री स्पेस अपॉन म्यू। आप जानते हैं वी यानी फ्री, वी इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा, लाइट के लिए है सी इज इक्वल टू कौन सा, एफ या म्यू इंटू लैम्डा। इससे पर निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू कितना, सी बाई म्यू, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 1/μ इंटू, ये वैल्यू हमारे पास आया लैम्डा कितना, सी अपॉन न्यू, वैल्यू पुट कर दें, 1/μ, कांच का कितना है म्यू, 1.5 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, 3×10^8 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब, 4×10^14, इससे इसको उड़ा दें कितना, 2, ये इससे कैंसिल, 2 1/2। तो देखो, ये है हमारे पास 1/2×8 और ये आपका 14, तो 1/2 × कितना, 10^-6, 1/2 कितना होता है, 0.5, यानी 0.5 × कितना, 10^-6। यदि इसको हम लोग लिख दें 0.05×10^-7 मीटर, और इसको कन्वर्ट करोगे आप, तो 1/2×10^-6, अगर मैं इसको 10^-3 से मल्टीप्लाई करूं, 10^-3 से डिवाइड करता हूं, ये बन गया 10^-10 मीटर तो ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, तो 0.05/10^3। तो ध्यान करो, 0.05, अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या, 0.5×10^-6 है, तो इसको मैंने लिखा 10^-7 का मतलब हो चुका है 5×10^-7,
है ना, पॉइंट मैंने इसकी पावर को इंक्रीज किया, माइनस में इंक्रीज किया है, तो इसका पॉइंट वन इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 की पावर माइनस का 10, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना, 10 की पावर माइनस का 10 होता है, 10 की पावर माइनस को 3 के ऊपर लाएंगे तो कितना हुआ, 10 की पावर प्लस का 3, तो कितना हुआ 5000 इसका एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि दो लेंस हैं, उनको रखा है अपन ने कॉन्टेक्ट में, पहला लेंस कौन सा है उत्तल, अगला कौन सा है अवतल, और उनके संयोजन की क्षमता कितनी है 4D, और फर्स्ट दे रखा है कि अवतल लेंस जो है उसकी फोकस दूरी का परिमाण 50 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की फोकस दूरी अपन लेते हैं कौन सी, नेगेटिव होती है। तो ध्यान करें, क्वेश्चन आपका दो लेंस है, दोनों के क्षमता आपसे पूछिए उत्तल लेंस की यानी कॉन्वेक्स लेंस की इसमें कितनी एफिशिएंसी वो या उसकी जो पावर है वो आपको निकालनी है। तो देखिए, जब दो लेंस आपस में संपर्क में होते हैं तो उसकी पावर पी इज इक्वल टू होता है P1 + P2, ठीक है। अब इसमें दो लेंस हैं, कौन सा पी पहला है, कौन सा उत्तल, मान लो कॉनकेव कॉन्वेक्स सॉरी, दूसरा है पी कौन सा कॉनकेव, आपको कॉन्वेक्स की तो पूछी है और नेट दे रखा है 4 डायोप्टर, तो पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू कितना है P - P कॉनकेव, ये पी आपको दे रखा है 4 डायोप्टर माइनस, अब ओनली आपका काम क्या है पी कॉनकेव का निकालना है। तो किसी लेंस की पावर होती क्या है P = 1/F, F किस में अगर मीटर में हो तो, अगर सेंटीमीटर में हो तो ये होता है 100/F, F इन सेंटीमीटर, तो 100/F, F हमारे पास है कितना 50, पर 50 कैसा है माइनस का 50 है, तो इसको अपन डिवाइड करें तो माइनस का 2 डायोप्टर हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई, तो माइनस इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर कितना है 6 डायोप्टर, फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर, तो आप जानते हैं जो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है वो लैम्डा की प्रोपोर्शनल होती है, रिजॉल्विंग जो पावर होती है रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल 1/λ होती है। तो हमें पूछा कि मिनिमम कम से कम, तो इसके कम से कम होने के लिए लैम्डा होना चाहिए मैक्सिमम, कम से कम के लिए लैम्डा होना चाहिए मैक्सिमम, और लैम्डा मैक्सिमम किसका होता है रेड का, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, ओके। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि YDSC में पर्दे के केंद्र पर इंटेंसिटी 16 I0 है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं आपको ध्यान होगा, तो किसी भी YDSC एक्सपेरिमेंट में जो I हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट वो होता है 4I1 इंटू कोस स्क्वायर 5/2। I1 है किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी, ठीक है जी। अब हमसे कहा जा रहा है कि पर्दे के केंद्र पर, केंद्र पे फाई कितना 0 होता है, और फाई के 0 होने पे कोस 0 होता है 1, तो पर्दे के सेंटर पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है 4I1, बट इसका वैल्यू हमको दे रखा है कितना 16I0 इज इक्वल टू 4I1। अब इसकी वैल्यू से सोल्व करेंगे, 4 से इसको अपन डिवाइड कर दें तो I1 हमारे पास कितना है 4I0 है, मीनिंग ये रहा कि जो सोर्स अपन काम में लेते हैं उसमें किसी एक सोर्स की इंटेंसिटी कितनी 4I0 है। I0 के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, पर इस I0 का 4 गुना यानी 4 times एक सोर्स की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसमें से एक स्लिट को अपन रिमूव कर दें, ढक दें उसको, तो सेंटर पे अब इंटरफेरेंस नहीं होगा, और एक स्लिट को अपन ढक देंगे तो इंटेंसिटी एक सोर्स की इंटेंसिटी के इक्वली प्राप्त होगी, और ऐसे में जो आई नेट होगा वो जस्ट कितना I1 के इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 4I0, तो इसका आंसर आपका 4I0 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो अगले में है कि 200 नैनोमीटर लैम्डा का प्रकाश किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे अपन गिरा रहे हैं जिसका कार्यफलन कितना 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन उसको अपन यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि
के मैक्सिमम जो है आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग के मैक्सिमम जो होता है ईवीएस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट उसको अपन निकालें तो वो है 12400 अपॉन लेमडा, ये लिखा है 200 नैनोमीटर यानी ये हो गया आपका 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम डिवाइड दें तो डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कार्य फलन दे रखा हम लोगों कितना 5.2। सॉल्व करेंगे 6.2, तो 6.2 माइनस का 5.2 यानी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसका देखो ईवीएस इज इक्वल टू है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से इसको उड़ा देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास है 1 वोल्ट। राइट आंसर आपका फर्स्ट। ओके, अगला पोर्शन इसमें है, यहां दे रखा है एक हाइड्रोजन एटम है उस पर 975 का अपन फोटोन है वो अप्लाई कर रहे हैं। इस फोटोन के अप्लाई करने पर जो इसकी एनर्जी होती है वो करीब करीब कितनी है, 12.7 के आसपास है। 12.75 का डिफरेंस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच का होता है, फर्स्ट और फोर्थ, और फोर्थ से वापस जब कोई पार्टिकल अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी, 4 × n − 1 कितना 2 होता है, तो 4 × 3/2 तो 12/2 = 6। इसका आंसर कौन सा आपका थर्ड आ जाएगा। यहां जी ग्राफ दे रखा है I वर्सेस T और पूछा है कि इसमें इंड्यूस्ड EMF है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे, तो ध्यान करो यहां 0 से 1 तक इसका स्लोप कैसा, देखो यहां जो अपन याद करते हैं इंड्यूस्ड EMF वो होता है माइनस का L × dI/dt। dI/dt क्या है, I और T ग्राफ का स्लोप है, जहां स्लोप प्लस होगा वहां माइनस से मल्टीप्लाई करने पर E आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां स्लोप नेगेटिव है तो प्लस आएगा, और कॉन्स्टेंट है तो प्लस में कॉन्स्टेंट, तो देखो यहां तो नहीं, यहां जस्ट यही है, जो कहीं पॉसिबल है नहीं और कहीं है ही नहीं, और इस वाले में कितना देखो स्लोप प्लस का तो नेगेटिव आएगा, और यहां स्लोप कैसा है 0, तो इंड्यूस EMF कितना 0, ग्राफ आपका फोर्थ बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ये कोई रेडियो एक्टिव कोई हमारे पास एक आइसोटोप है उसमें 4 × 10^16 इतने एक्टिव न्यूक्लियस है, हाफ लाइफ कितनी है 15, तो पूछा कि 45 डेज के बाद कितना डीके हो जाएगा, तो ध्यान करिएगा 45 इसका टोटल टाइम है, 15 इसका है हाफ लाइफ, तो 45/15 मतलब 3 हाफ लाइफ हो गई, 3 हाफ लाइफ में 4 से पहले कितना 2, 2 से कितना 1, 1 से कितना हाफ, तो 0.5 इसका रिमेनिंग है, तो अगर 4 में से 0.5 रिमेनिंग है तो डीके कितना हो गया 4 − 0.5 यानी 3.5, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। कौन सा रंग वायुमंडल में सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, तो स्कैटरिंग जो होती है वो होती है आप जानते हैं आई प्रोपोर्शनल कितना 1/λ^4 होता है। अब लेमडा जितनी ज्यादा होगी उतना स्कैटरिंग कम होगी, तो लेमडा ज्यादा किसकी है, रेड की, इसलिए सबसे कम कौन स्कैटर होता है, रेड। पर पूछा सर्वाधिक, तो जिसकी लेमडा कम से कम होगी वो कौन है, बैंगनी प्रकाश, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अच्छा ये दे रखा है बैंड आरेख और पूछा है कि इसमें कौन सा किसके लिए है, तो आप देखो इसका फर्मी लेवल है वो इसके ठीक पास में है, कंडक्शन के ठीक पास है, वो तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है, और फिर देखो यहाँ होल कितने 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज्यादा नंबर में, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत से आवेश हो गए, तो ये एन टाइप प्रकार के सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी इसमें आओ देखो यहाँ ये लॉजिक गेट जो है वो इसका आउटपुट क्या है, और इसका हमको पूछा है कि कौन सा इसका तुल्य लॉजिक गेट बनेगा, ये ए और बी, तो ध्यान करो इसमें ये हमारे पास है ए, तो ए से ये नॉट गेट हो गया, तो ए से ए बार, बी से कौन सा आपका बी बार, ए और बी दोनों में यहाँ ए प्लस ए बार प्लस कौन सा हुआ बी बार, पर साथ में नॉट भी है, तो नॉट इससे आउटपुट क्या होगा इसका बार, ये खुद नॉट गेट है तो ये इसका ठीक बार हो गया, तो आप देखो y हमारे पास आउटपुट के रूप में कितना है a बार प्लस b बार, इसका डबल बार,
वो डबल बार होता है तो वापस वही प्रॉपर्टी अपने को मिल जाती है। इसको अगर अपन डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आप इसको चाहो तो ए और बी का बार लिख सकते हो। तो ये है क्या, ए डॉट बी यानी एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट कितना हो गया नैंड गेट। तो इसका ए डॉट बी का बार और नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगले क्वेश्चन आते हैं, देखो यहां क्वेश्चन आपका है कि एक हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है और उसको अपने संट करना है, और संट में कैसे बोल रहा है कि मुख्य धारा का 10% करंट किस में गैल्वेनोमीटर से पूछे। ये कह रहा है कि 45 ओम रेजिस्टेंस का एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है और इससे मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए किससे भेजना है, गैल्वेनोमीटर से। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, मान लो ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसको हमने संटेड कर दिया, ये करंट मान लो इसमें आई जा रही है, इस आई का 10% इसको अपन 100 मान लें तो 10 है ये, 390 हो गया, या इसको आई मानने पर कितना है ये आपका आई अपॉन 10, तो ये हो गया आपका इसमें 9/10 आई। ये जी और ये कौन सा एस, दोनों समांतर में है तो आई बाई 10 इंटू जी इज इक्वल टू कितना 9/10 इंटू एस, समांतर में है इसलिए 10 से उड़ा दो इसको, इंटू आई, आई साई भी कैंसिल, आपको निकालना है एस संट, संट हमारे पास कितना आया, देखो संट हो गया हमारे पास जी अपॉन 9, एस इज इक्वल टू जी बाई 9, जी हमारे पास है 45 अपॉन 9, तो 5 ओम इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपसे पूछा है, क्वेश्चन देखें कि 17 डिग्री सेल्सियस पर सिंक ताप वाले एक कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 50% है। तो पहले तो इसी लाइन का सिंबल देखो, आप आपको दे रखा है टेम्परेचर ऑफ सिंक 17 डिग्री और एफिशिएंसी कितनी है 50%। तो एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं, वैसे किसी कार्नो इंजन का एफिशिएंसी हुआ करता है ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन, डब्ल्यू का मतलब हो गया क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, और इसको अपन टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते हैं तो टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन या वन माइनस टी टू बाई टी वन। टी टू यहां पे है सिंक का टेम्परेचर, टी वन किसका है सोर्स का टेम्परेचर। पहले हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 50%, यानी इसको अपन लिखें 50/100 या 1/2 इज इक्वल टू वन माइनस सिंक का टेम्परेचर 273 अपॉन कितना प्लस 17, 273 प्लस 17, तो 17 ये 290 अपॉन टी वन, ये 1/2 है, इसको अपन इस तरफ लेके आ जाएं, 1/2 है इसको उड़ा दें अपन यहाँ से, तो 1/2 हो गया, इसको इस तरफ लें या इसको इस तरफ ले जाएं, तो देखो ये हो गया हमारे पास 290 अपॉन टी वन इज इक्वल टू 1 - 1/2 यानी हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखो इससे गणना करने पे T1 का टेम्परेचर आपको मिला कितना, मिला 580 हो गया ना, 580 केल्विन आ गया, 2 × 0 = 9 × 2 कितना 18, 4 और 5 यानी 580 केल्विन इसका टेम्परेचर आ चुका है। अब अगला क्या है, ये कह रहा है इसकी एफिशिएंसी को 60% तक इंक्रीज करने के लिए, अब इसकी एफिशिएंसी ईटा डेस बाद की इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जा रही है ईटा डेस, तो इसको अपन ईटा डेस करेंगे तो कितना टेम्परेचर पर, इसमें क्या कर रहा है बढ़ाने के लिए से ताप स्रोत सॉरी सोर्स के टेम्परेचर में कितना चेंज करना पड़ेगा, तो हम सिंक को यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान रहे हैं और सोर्स के टी को अपन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखो इसकी एफिशिएंसी अपन क्या लिखें, ईटा डेस इज इक्वल टू वन माइनस इसको अपन कर दें टी टू अपॉन टी वन डेस, टी टू फिक्स है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ईटा डेस देखो आप, ईटा डेस हमारे पास कितना आया, ईटा डेस हमारे पास है देखिए 60% यानी 60/100 इज इक्वल टू 1 माइनस
कितना t2 हमारे पास है 580 अपॉन t1 डेस। तो अब इसका अपन t1 डेस है वो फाइंड करते हैं और t2 हमारे पास है वो सॉरी सिंक का टेम्परेचर अपने पास था कितना 290। सिंक का टी हमारे पास था कांस्टेंट, उसको अपन कितना लेंगे 290, वो तो कांस्टेंट है। अब t1 डेज अपन ने कितना करना है वो आपको देखना, पहले कितना था t1 580, अब t2 तो कांस्टेंट रखा है, t1 आपको फिर निकालना है। इसको इधर लेगा जाएं, ये आपका हो गया 0.6 है ना, ये 0.6 है, इसको अपन इस तरफ ले लें, इसको इधर ले आते हैं। तो देखो 290 अपॉन t1 डेज इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो अब इससे अपन निकालते हैं तो t1 डेज इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये 290 अपॉन 0.4, ठीक है जी। और ये एक्चुअली पॉइंट हटा दे तो कितना हो गया 10। तो 4 से इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो बताइए साहब, 4 इसको अपन डिवाइड करें तो ये हो गया, पहले भाग चला गया कितना 5 5 5 चौक 20, ठीक है जी। सॉरी, ये अपने पास कितना 29 है ना, तो 6 चौक 24 और ये बचा अपने पास 290, 7 चौक 28 हो गया ना, 7 चौक 28 तो 7 10, 4 2 8 ठीक है, फिर 2 5 चौक 20, यानी मैं ये चाह रहा हूँ 2900 अपॉन कितना 4, तो ये आपको मिला 735 केल्विन। तो पहले टी था हमारे पास 580 केल्विन, अब कितना है 725 केल्विन, तो हमने कितना बदलाव करा, तो 725 में से घटाएं कितना 580, तो वैल्यू कितनी आई, तो डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 725 माइनस 580 केल्विन, और 725 में से 580 अपन घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है 145। सेकंड इसका आंसर आपका सही चला जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, देखो तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80 ग्राम ऑर्गन गैस है, उसके टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस से 100 तक अपन गर्म कर रहे हैं, तो नियत आयतन पर अवशोषित ऊष्मा कितनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको इसकी निकालनी है कि एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, ठीक है जी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू सीवी डेल्टा टी, 80 ग्राम ऑर्गन गैस को 40 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो नियत आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो क्या कर लेंगे म्यू इंटू सीवी डेल्टा टी, म्यू यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स तो ग्राम मात्रा कितनी है देखो 80, और आर्गन जो गैस है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, बोलो साहब कितना होता है 40, तो 80 अपॉन 40 नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस है मोनोएटॉमिक, तो इसका सीवी होता है कितना 3 इनटू सीवी इक्वल टू होता है एफ आर बाय 2, तो इसका एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, तो 3 इनटू आर बाय 2 इनटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी तो चाहे सेल्सियस स्केल का हो चाहे कौन सा केल्विन स्केल का, डिफरेंस सेम होता है, तो 100 माइनस 40 डिग्री, 100 से 40 आप कर दो डिफरेंस, तो कितना 60, ये सेल्सियस का ये कैसा केल्विन का है। अब इसको अपन करते हैं सॉल्व, आपको मालूम है कैलोरी के अंदर आर का वैल्यू कितना 2 होता है, तो 2 से 2 उड़ा देता हूं और इसको अपन कर दें डबल, 3 दुनी कितना 6 6 6 36, तो 360 केल्विन, 360
60 कैलोरी, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, दर्शाए गए परिपथ में ई को संयोजित करने से पहले, यानी ई जो है ना बैटरी, इसको जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद एट जो ओम है उसमें करंट है वो सेम रहती है। तो इसमें करंट के सेम रहने के लिए आपसे पूछा है कि इस ई का वैल्यू कितना है। तो पहले करंट कितनी है वो चेक कर लें, उसके बाद उतनी रहनी है। तो देखो इसको हटा देंगे, बार हटाने के बाद में ये सारे सीरीज ऑर्डर में है, तो 10 और 6 कितना 16 और 8 कितना 24। तो अभी इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I इज इक्वल टू 24 यानी 1 एम्पियर। ठीक है जी, अब अगर इसमें करंट 1 एम्पियर है, इसको अपन यहां से हटा ले पहले, तो इसमें अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, अभी पहले करंट कितनी है इसमें 1 एम्पियर है, और बाद में भी 1 एम्पियर ही फ्लो करनी चाहिए। तो जब पहले इसमें 1 एम्पियर थी तो इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I इंटू आर, 1 इंटू 8 कितना 8 वोल्ट। और अगर इसकी जुड़े जाने के बाद भी करंट उतनी रहे, तो आप जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिस साइन का मान लो यहाँ प्लस, जैसे करंट इंटर हो रहा है प्लस है माइनस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस जिस साइन में यहाँ पहले से अप्लाई कर रखा है, उसी साइन के साथ आप इसको अटैच करेंगे, तो ये जो सेल होता है ना, ये सेल इस सर्किट की मेन करंट को प्रभावित नहीं करता है। तो इस ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था वो है आई इंटू आर, और आई हमारे पास है 1 इंटू 8, तो 8 वोल्ट। ठीक है, अगर इस 8 से कम या ज्यादा आप इसको अप्लाई कर देंगे, पर सेंस देखो इसका ध्यान देना, ये प्लस माइनस, तो इसका प्लस माइनस होना चाहिए, इसको उल्टा लगा दोगे 8 वोल्ट, तो ये सर्किट करंट को बदल देगा, प्रभावित कर देगा। तो जिस पोलरिटी के साथ इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, उसी पोलरिटी के साथ इसको आप कनेक्ट कर देंगे ना, तो इसकी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 48 तक। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, ओम्स लॉ जो है उस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो द वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए नॉन ओमिक डिवाइस इज शोन इन फिगर। नॉन ओमिक का मतलब ऐसा कोई डिवाइस जिसमें आई और वी ग्राफ कैसा लीनियर नहीं हो, नॉन लीनियर हो। तो ग्राफ कैसा नॉन लीनियर है, इसका मतलब ये प्योरली ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, हो सकता है इससे कोई छोटा पार्ट ओम के नियम का पालन करता हो। तो ध्यान करें कि यहां जो आपने ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ के अनुसार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रीजन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो आप ध्यान करें, आई और वी जो है ना, इसका स्लोप जो अपन निकालते हैं, इसका स्लोप होता है एम इज इक्वल टू, मान लो कहीं भी आप इसका, मान लो कोई पॉइंट ले लो मैं, यहाँ इसका एंगल थीटा है, तो स्लोप इसका कितना है, ये स्लोप टेन थीटा है, परंतु स्लोप किसको शो कर रहा है, आई और वी, यानी ये आपका है डेल्टा आई या डी आई अपॉन डी वी, जो 1/r को शो कर रहा है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के बराबर है। आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो कितना, 1/tan थीटा है। अब इस थीटा में आप ध्यान करो, थीटा का वैल्यू कैसा है, 90 से छोटा है, या थीटा कितना 90 से ज़्यादा है। 90 से कम होने पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव आएगा, और अगर ये 90 से बड़ा है तो स्लोप भी कैसा नेगेटिव आएगा, रेजिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। तो इस पूरे पोर्शन में ओ से ए मान लो, ए से बी मान लो, यहाँ सब में कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, बी से सी कैसा है, नेगेटिव है, फिर यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ प्लस माइनस और ये प्लस। तो नेगेटिव कौन से में है साहब, ए बी है, बी सी, बी सी रीजन में। फिर पूछा कि विच रीजन ऑबेज ओम्स लॉ, कौन सा रीजन ओम के नियम को फॉलो करता है। तो ओम के नियम को फॉलो करता है कौन सा रीजन, जो स्ट्रेट लाइन होता है। ध्यान करें इसमें कि अगर अगर v इज इक्वल टू अपन r इंटू आई लेते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो v प्रोपोर्शनल टू i हो, जिस समय v प्रोपोर्शनल टू i होता है, ओनली एंड ओनली उसी रीजन में ओम्स लॉ वैलिड होता है, जिसमें ओनली इसका ये वाला भाग है, o से a तक का भाग ये स्ट्रेट लाइन है, इस भाग में ओम्स लॉ वैलिड माना जाता है। बाकी जो भाग हैं वो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के प्लस माइनस को शो कर सकते हैं, बट वो ओम्स लॉ के लिए या ओम्स लॉ को वैलिड या ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं।
तो आपसे पूछा कौन से भाग में ओम का नियम का पालन होता है, वो है ओनली ओ ए भाग, जहां ग्राफ सरल रेखा में होना चाहिए। फिर पूछा विच रीजन डिफाइंस और रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, कौन सा क्षेत्र प्रतिरोध को परिभाषित करता है या प्रदर्शित करता है। तो रेजिस्टेंस तो सारे भाग को ही प्रदर्शित करता है, यहाँ प्लस में है, प्लस में, माइनस, ये प्लस सब, तो रेजिस्टेंस सभी भागों के द्वारा निकाले जाएंगे, परंतु परंतु ओम्स लॉ सिर्फ इस स्टेटन रीजन में है। रेजिस्टेंस का प्लस माइनस सभी आपका अलग अलग है, तो पहले का आंसर आपका बी सी आएगा, दूसरे भाग का आंसर कौन सा फर्स्ट आ जाएगा, और इसमें तो सारे ही भाग यानी ऑल रीजन्स हैं, उन सभी में रेजिस्टेंस है वो डिफाइन हो जाएगा, उस तक प्लस माइनस जीरो पर ये सब डिफाइन होगा। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। बढ़ता हूं आगे, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका मन रखने के लिए, तीन आवेश दे रखे हैं, 2q, माइनस क्यू और माइनस क्यू, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे यानी शीर्ष पर रखे हैं, तो ट्रायंगल के परिकेंद्र यानी सेंटर पे क्या होगा। तो तीनों आवेश देखो आप इसमें, कि जैसे मेरे पास ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें यहां मान लो आवेश कितना 2q है प्लस का, ये मान लो कितना माइनस का, सॉरी सॉरी, ये माइनस का q है, ये माइनस का q, तो इसके सेंटर पे आप निकालते हैं पोटेंशियल। तो किसी भी समबाहुभुज, कोई भी समबाहुभुज और उसके सेंटर पे आपको निकालना है v। v होता है हमेशा k इंटू समेशन क्यू बाई आर, आर इसकी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन यहाँ आर ले, सब आर डिस्टेंस हो जाएगी। अब k समेशन क्यू देखो कितना है, प्लस का 2q, माइनस का q, माइनस का q, तो जीरो हो गया। तो कोई भी हमारे पास समबाहुभुज जिसके सारे कोणों पे आवेश रखे गए हैं, कहीं भी रखे हैं, परंतु उसकी दूरियां कैसी बराबर दूरियां हो, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रखे गए हो, और ऐसे केस में अगर सारे चार्जेस का सम जीरो हो तो सेंटर पे पोटेंशियल भी कितना जीरो आएगा। डन। अब निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो उसमें देखो इसी केस में ये आपका मान लो प्लस का 2q है, ये माइनस का कितना q है, ये माइनस का q है, ये सेंटर है यहाँ पे। अब इस चार्ज का फील्ड किस तरफ, इस तरफ, इसका फील्ड किस तरफ, चार्ज की तरफ, इसका फील्ड इस तरफ, इन दोनों का नेट मान लो, इसको मैं ई मान लूँ, इसको ई मान लूँ, इसको ई डैश कर दूँ, तो इन दोनों का नेट इस तरफ आ गया, दोनों जुड़ गए, इसका यानी ई और ई ये 120 पे है, तो ई आ गया। देखो अब ई प्लस ई डैश नेट इसका डाउनवर्ड आ गया, अब जीरो नहीं है, तो ई तो है नॉन जीरो और हो कैसा आपका जीरो। तो क्वेश्चन है कि क्षेत्र तो शून्य है लेकिन विभव कैसा है, शून्य, इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। बाकी तो कहीं दिक्कत नहीं है, फील्ड जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो, फील्ड इज जीरो पोटेंशियल नॉट जीरो, पोटेंशियल इज जीरो बट फील्ड इज नॉट नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल इज जीरो बट फील्ड इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है बिल्कुल, नॉन जीरो है, बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल आर जीरो, ओके नॉट, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, फोर्थ आंसर इसका चला जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन लास्ट में, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग का परिमाण, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग यानी VD अपॉन E, ये किसको प्रदर्शित करते हैं। तो अपन जानते हैं VD इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू ई, और इससे अपन निकालेंगे क्या, VD अपॉन ई तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, म्यू को, और म्यू क्या है, आवेश वाहकों की गतिशीलता यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहकों की गतिशीलता, फोर्थ मोबिलिटी। तो करंट डेंसिटी, ओके, करंट रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, तो इसके साथ इसको अपन समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सी एल सी।